Assalamu alaikum class 3. I hope you are all fine and doing well. Today our topic is word problem of division. As you are familiar with the word problem, what is word problem? Yes, what is word problem? Manha beta aap bataen. Ji Ashna beta aap bhi bataen. Yes, the problem in the form of words or statement are known as word problem. कि कोई भी ऐसी problem या कोई भी ऐसी statement जो हमारे पास कोई भी ऐसी problem या कोई भी issue जो in the form of statement हो, जो हमारे पास words में लिखा हो, तो वो क्या होता है? Word problem. आज हम क्या सीखेंगे? Word problems of division. आज हम क्या सीखेंगे? Word problems of division. So what is division? Yes, what is division? Division is divide. Divide the number into smaller part. Divide the number, divide the object, divide anything. कोई भी चीज. Division क्या करता है? Division is the process in which the number is divided into small parts, into small parts, into smaller parts, whatever. Simple kya hai? Division is divide the number or objects. Object is word. For example, chocolate. For example, cloth. Wo kya karta hai? Sabhi objects ko, sabhi cheezo ko, sabhi numbers ko small parts mein divide kar deta hai. For example, I have six stars. Six stars divide two. कि क्या करना है? Six stars को two parts में divide करना है. Six stars divided by two. Then I will start my drawing. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्या करना है कि मैंने इसको टू, जो एक पार्ट हो वो कितने नंबर्स का हो? टू. सो आई विल स्टार्ट माय टू स्टार्स, देन अगेन टू स्टार्स एंड टू स्टार्स. हर एक पार्ट में कितने स्टार्स आने चाहिए हमारे पास? टू. ये हमें बता रहे हैं, डिवीजन हमें बताता है कि इस पार्ट में कितने पार्ट्स आने चाहिए. सिक्स स्टार्स में जब टू पार्ट्स हो जाए तो वो वन पार्ट बन जाए, जब टू स्टार्स हो जाए तो वो अदर पार्ट बन जाए, जब अगेन टू स्टार्स हो जाए तो ये अगेन न्यू पार्ट बन जाए. सो फर्स्ट पार्ट इज दिस, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. अब आपने देखा कि सिक्स को अगर हम टू पे डिवाइड करें, सिक्स को टू पे डिवाइड किया मीन्स टू का टेबल पढ़ा कि हमारे पास कहाँ पर सिक्स आता है. टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स. हमने टू का टेबल कहाँ तक पढ़ा है? थ्री. इट मीन्स कि हमने टू का टेबल कहाँ तक पढ़ा है? थ्री तक. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिक्स. आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि डिवीजन क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना. अब ये देखिए, इसने कहा कि स्टार होने चाहिए टू, सिक्स स्टार्स हैं और इतने हर एक पार्ट में टू स्टार्स होने चाहिए, हर एक पार्ट में टू स्टार्स होने चाहिए. अब हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स बने हैं? थ्री. सो अब हम यहाँ पर हमारे उन चार वर्ड्स को रिकॉल करेंगे जो हमने पहले भी फर्स्ट टर्म में पढ़े थे. फर्स्ट नंबर इज डिवाइजर, सेकेंड नंबर इज डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड. थर्ड वर्ड इज क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन. एंड फोर्थ वर्ड इज रिमाइंडर. सबसे पहले हमें फर्स्ट वर्ड मिला था, वो क्या है? डिवाइजर. तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड जो होता है वो डिवाइजर. डिवाइजर मीन्स कि हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू डिवाइड द नंबर. कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है? वन पार्ट. मतलब टू स्टार्स होंगे तो वन पार्ट बन जाए, थ्री फिर टू स्टार्स होंगे तो वन पार्ट बन जाए, अगेन टू स्टार्स होंगे तो हमारे पास वन पार्ट बन जाए. तो हमारे पास टोटल कितने
पार्ट्स बने, 1 2 3, थ्री पार्ट्स बने, तो वो हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन। टोटल पार्ट्स कितने बने, थ्री, तो थ्री हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन। डिविडेंड इज, डिविडेंड इज सिक्स। टोटल हमारे पास जितने नंबर होंगे वो क्या होंगे, डिविडेंड, और जितने पार्ट्स में हमने उसको टू पार्ट्स का वन स्टार बनाना है तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास वो नंबर होता है जहाँ तक हमने अपने नंबर, जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है या इतने पार्ट में इतने ऑब्जेक्ट्स आए, वो होता है डिवाइजर। डिविडेंड, डिविडेंड वो नंबर है जिसने डिवाइड होना है, और डिवाइजर वो नंबर है जिसने डिवाइड करना है। क्वेश्चन वो नंबर होता है जहाँ तक हमारा ये नंबर पढ़ने के बाद डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर होता है जहाँ तक हमारा नंबर